Hey guys, welcome back again to our town, Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का countdown लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. Number 1, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर को शुरुआत से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. हालांकि फिल्म की शनिवार की कमाई के आंकड़े में गिरावट देखने को मिली थी. इस फिल्म ने पहला वीकेंड पूरा कर लिया है और 4 दिन के वीकेंड पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म फाइटर ने अब तक 123.60 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. फिल्म के 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डाले तो पहले दिन 24.60 करोड़, दूसरे दिन 41.20 करोड़, तीसरे दिन 27.60 करोड़ और चौथे दिन 30.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. Number 2, रणबीर कपूर ने अपने हालिया इंटरव्यू में एनिमल पार्क को लेकर बात की है. रणबीर ने इंटरव्यू में बताया है कि एनिमल पार्क के लिए संदीप रेड्डी वांगा में और भी डीप और डार्क जाने की हिम्मत है. वो यानी वांगा ने 1 या 2 सीन्स तैयार कर रखे हैं जो उन्होंने मुझे सुनाए हैं और वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है. अब क्योंकि पहले पार्ट की सक्सेसफुल है तो उसमें कॉन्फिडेंस और हिम्मत दोनों है कि वो और भी ज्यादा डार्क, डीप और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सके. वो कुछ भी कर सकते हैं. Number 3, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर के सीक्वल को लेकर सिद्धार्थ आनंद ने हाल ही में बात की है. फाइटर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने हाल ही में पिंकी विला को एक इंटरव्यू दिया है जहां डायरेक्टर ने फाइटर के सीक्वल के प्लान वाले सवाल पर रिएक्ट करते हुए कहा, हाँ ये ऑडियंस फैसला करेगी, अभी देखते हैं, अभी 3 दिन ही हुए हैं. मुझे लगता है कि ऑडियंस का प्यार डिसाइड करेगा कि हम क्या करते हैं और हमें फाइटर 2 पर एक बड़ी कहानी बनाकर खूब खुशी होगी. हमारे पास बेहतरीन आइडिया है जिसे हम दिखाना चाहते हैं. Number 4, पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक जानवी कपूर अब जल्द ही साउथ सुपरस्टार सूर्या के साथ बड़े पर्दे पर नजर आ सकती हैं. ये दोनों का साथ में पहला कोलैबोरेशन होने वाला है. दोनों राकेश ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बन रही एक पीरियड ड्रामा फिल्म कर्ण में नजर आ सकते हैं. पिंक विला की एक खबर के मुताबिक ये फिल्म महाभारत पर आधारित है जो एक पैन इंडिया फिल्म होगी. साथ ही बताया जा रहा है कि इसको 2 भागों में बनाया जाएगा और इसके लिए एक बड़ा बजट भी तय किया जाएगा. Number 5, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर करण जौहर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की है. लेकिन इस पोस्ट ने उनके फैंस को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है. दरअसल शेयर की गई पोस्ट में निर्माता निर्देशक ने ना तो फिल्म का नाम शेयर किया है और ना ही फिल्म की कास्ट के बारे में कोई जानकारी दी है. उन्होंने इस फिल्म को लेकर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है और साथ ही अपने फैंस से इस फिल्म के बारे में गेस करने के लिए भी कहा है. Number 6, नितेश तिवारी की रामायण को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, जिसकी स्टार कास्ट के नाम पर लगातार चर्चा बनी हुई है. इसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के अलावा अब सनी देओल का रोल भी पक्का हो चुका है. वो फिल्म में हनुमान का किरदार निभाते नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल मई 2024 में रामायण पार्ट 1 में अपने किरदार के हिस्से की शूटिंग शुरू करेंगे, जबकि रामायण भाग 1 में सनी देओल फिलहाल कैमियो रोल में नजर आएंगे. निर्माताओं को भरोसा है कि दारा सिंह के बाद वो सनी देओल ही हैं जो मॉडर्न जमाने में भगवान हनुमान का किरदार निभा सकते हैं. Number 7, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है. इसके बाद से शाहरुख खान के फैंस काफी भड़के हुए हैं. दरअसल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को उनकी धांसू फिल्म एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है. इस अवार्ड के मिलने के बाद एक्टर के फैंस खुशी के मारे झूम उठे हैं. हर कोई रणबीर कपूर को बधाई देता दिखाई दे रहा है तो वहीं शाहरुख खान के फैंस इसको लेकर भड़क गए हैं. शाहरुख खान के फैंस का मानना है कि फिल्म जवान और पठान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किंग खान को दिया जाना चाहिए था. Number 8, बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अभी हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में हिस्सा लेने के लिए गुजरात पहुंचे थे. इस दौरान कार्तिक आर्यन को देखने के लिए फैंस बेकाबू हो गए. गुजरात के गांधीनगर में हो रहे इस आयोजन के दौरान एक हादसा हो गया. इस हादसे में कार्तिक आर्यन बाल बाल बचे. कार्तिक आर्यन जब इस आयोजन में पहुंचे थे तब एक्टर फैंस के साथ हाथ मिलाने के लिए गए. उन्हें देखने के बाद लोग बेकाबू हो गए और बैरिकेड को तोड़ डाला. बैरिकेड नीचे गिरने से कई लोगों को चोट आई है. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. Number 9, रश्मिका मंदाना और विक्की कौशल पीरियड एक्शन फिल्म छावा में एक साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद रश्मिका मंदाना ने को स्टार विक्की कौशल और दूसरे क्रू कलाकारों के लिए एक लंबा मैसेज लिखा है. विक्की के बारे में बात करते हुए रश्मिका ने लिखा, आपके साथ काम करना बहुत आनंददायक रहा. आप बहुत गर्मजोशी भरे और दयालु हैं, लेकिन अधिकांश दिन आप अद्भुत थे. मैं मजाक कर रही हूं, आप एक रत्न हो. मैं हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं दूंगी. बहुत आनंद आ रहा था. माँ ने आपके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की है. Number 10, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने 28 जनवरी को फिल्म फेयर अवार्ड्स में भाग लिया था जहां उन्होंने पॉपुलर सॉन्ग जमाल गुडू पर जमकर डांस किया. डांस के बाद रणबीर कपूर ने सबके सामने आलिया भट्ट को किस भी किया. बता दें कि रणबीर कपूर को एनिमल में उनकी परफॉर्मेंस के लिए मुख्य भूमिका में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, जबकि आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी जीती है. Number 11,
पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान ने हाल ही में अपने शागिर्द को पीटते हुए वायरल वीडियो पर सफाई पेश की है। इस वीडियो में राहत फतेह अली खान इस मामले को उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बता रहे हैं। यही नहीं, राहत फतेह अली खान ने इस वीडियो में अपने उसी छात्र से सफाई भी दिलवाई है, साथ ही उसके पिता भी सामने आए इस वीडियो में मामले पर मिट्टी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद भी लोगों का गुस्सा थमा नहीं है। राहत फतेह अली खान के इस माफीनामे पर भी लोग जमकर अपनी भड़ास निकालते दिखाई दे रहे हैं। नंबर 12। शाहरुख खान की फिल्म डंकी बीते महीने दिसंबर में सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला था। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म डंकी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी को ब्रिटेन की संसद में दिखाया जाएगा। इस खबर को सुनने के बाद शाहरुख खान के फैंस में काफी ज्यादा खुशी आ गई है। नंबर 13। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान स्टेज गिरने से बड़ा हादसा हो गया है और एक महिला की मौत हो गई है। इस हादसे पर सिंगर बी प्राक ने दुख जताया है। इस वीडियो में बी प्राक ने कहा, बहुत ही दुख हुआ है और बहुत ही मायूस हूं, मैं बहुत ही दुखी हूं। आज दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है अपने सामने होता हुआ, जहां पर मैं गा रहा हूं। मां कालका मंदिर में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है। जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक हो और बहुत जल्दी ठीक हो जाए। नंबर 14। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस यामी गौतम ने डायरेक्टर आदित्य धर से साल 2021 में शादी की थी। अब शादी के 3 साल बाद एक्ट्रेस के प्रेगनेंसी र्यूमर छाए हुए हैं। दरअसल हाल ही में यामी गौतम और आदित्य धर को मुंबई में स्पॉट किया गया। इस दौरान यामी ने पिंक कलर का सूट पहना था, वहीं आदित्य धर व्हाइट कुर्ता पजामा में दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान यामी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर लोग कहने लगे हैं कि वो प्रेग्नेंट है। एंड नंबर 15। बीती रात ही मुंबई में सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 का फिनाले हुआ है। जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने इस शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी मुनव्वर फारूकी ने जनता का दिल जीत ही लिया। इसी बीच मुनव्वर फारूकी की एक तस्वीर बीती रात से ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। इस तस्वीर में मुनव्वर के साथ शो के होस्ट और बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान सलमान खान नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।